हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। और दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चैनल को इतना सपोर्ट किया और 1000 सब्सक्राइबर हुए। ठीक है, तो आज मैं उस चीज़ के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ठीक है, आज का जो वीडियो है मैं डिस्कस करूँगा, काफ़ी टेंशन में रहते, कन्फ्यूज़न इतनी रहती है लास्ट टाइम एग्ज़ाम में, स्टेनो वाले जो मई में एग्ज़ाम होने वाला आपका 5, 6 और 7 मई को। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि लास्ट टाइम पे क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो इस बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेनो के लिए, और आपके जो जितने भी दोस्त हैं वो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो में, इस वीडियो को। और इंग्लिश के बारे में डिस्कस करूँगा, अगर आपका सपोर्ट रहा है तो फिर इसके बाद मैं रीजनिंग के ऊपर और एक जीके के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और इंग्लिश की प्रिपरेशन के टिप्स मैं देना चाहूँगा, ठीक है, जितनी मेरे को एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टिप्स दूंगा। और लास्ट टाइम पर अगर आप ये सब करते हैं तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो सबसे नंबर वन बात यह है, कन्फ्यूजन इतनी रहती है कि लास्ट टाइम पे कौन सी बुक पढ़ें और क्या पढ़ें कि जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो और इंग्लिश में हम 80+ का स्कोर करें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छी बुक जो मैं बोलूंगा, बुक तो सभी अच्छी होती है, बट आप कंप्लीट, ठीक है, कोई भी आपके पास बुक है उस बुक को पूरा करिएगा और अच्छी तरह उसके करना है। ठीक है, तो सबसे नंबर वन बात मैं कहना चाहता हूँ, इंग्लिश के लिए 80+ का स्कोर आप कर सकते हो इजीली। अब लास्ट टाइम पे आपको ज़्यादा प्रिपरेशन, लास्ट टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो भी प्रीवियस ईयर जितने भी सेट हो रखे हैं अभी तक। ठीक है, इंग्लिश के, और बहुत सारे ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के खाली स्टेनो के सेट नहीं करने, स्टेनो के अलावा सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या एमटीएस और स्टेनो सभी के मिला के इंग्लिश के सेट करने अच्छी तरह, और हर एक सेट को अच्छी तरह करना है, उसके हर एक वोकैब को अच्छी तरह लर्न करना है। ठीक है, तो वोकैब सेक्शन काफ़ी ज़्यादा है और आप प्रीवियस ईयर के सेटों को अच्छी तरह करते हो तो उन्हीं उनसे बाहर वोकैब कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, कोई नया वोकैब नहीं आने वाला स्टेनो में। ठीक है, वो सीजीएल एग्जाम में हो सकता है कि आता है, एक दो वर्ड आते हैं अलग, बट स्टेनो में रिपीटेट आते हैं। इससे पहले के सेटअप देख लीजिएगा, इससे पहले के एग्जाम को एनालिसिस, पेपर को एनालिसिस करेंगे तो वहां पे आपको यही मिलेगा। ठीक है, जितने भी वोकैब सेक्शन, ईडियम्स होंगे, ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर से आते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से प्रीवियस ईयर सेट को आपको करना है। ठीक है, एमबी सेट की वाली बुक आती है या किरण की, जो भी आपके पास बुक है इंग्लिश की, और उन्हें अच्छी तरह आपको करना है प्रीवियस ईयर सेट को। ठीक है, अच्छी तरह लास्ट डे के पेपर को जरूर एनालाइज कर लीजिएगा इंग्लिश का, और यहाँ पे मैं कर लूंगा, एक बार पेपर एनालाइज कर दूंगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करिए, वहाँ पे देखिए कि पेपर का लेवल क्या था, वोकैब सेक्शन का लेवल क्या था, और सबसे मेन बात जो इंग्लिश में 80+ तक आपको ले जाएगी वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन, हो गया आपका क्लोज टेस्ट हो गया, और प्लस एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इसके बाद पी क्यू आर एस। इसके लिए कोई रूल आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की उतना ज़्यादा आपका ये सेक्शन स्ट्रांग होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, क्लोज टेस्ट की आपकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी है जो कि आपका 50-20 मार्क्स का आता है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशिप की करनी है जो कि 15 मार्क्स का आता है, तो 35 मार्क्स आपका ये हो गया। उसके बाद आपको 20 मार्क्स जो कि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट का करना है, ताकि आपको इनमें से 20 में से कम आपको 19 या 18 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मैक्सिमम जो अच्छी प्रिपरेशन करते हैं वो 20/20 लाते हैं, क्योंकि इतना टफ लेवल का नहीं आता डायरेक्ट इंडायरेक्ट पैसिव। उसके बाद बात करते हैं कि 5 नंबर का पी क्यू आर एस जो रीअरेंज करना पड़ता है सेंटेंस को, वो भी एक शॉर्ट छोटे ही आता है। ठीक है, काफ़ी लंबा जैसा सी जी एल में आता है, इतना बड़ा नहीं आता, छोटा ही आता। लास्ट ईयर का आप देखोगे पी क्यू आर एस तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, तो वहाँ पर भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, ईडियम्स प्रीवियस ईयर के अच्छी तरह करना है, एंटोसिनो प्रीवियस ईयर के कर लेना, वोकैब सेक्शन को अच्छी तरह करना है, वन वर्ड को भी कर लेना है क्योंकि वन वर्ड भी वोकैब के अंदर ही आता है। उसके अलावा आपको, ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश का जो सबसे वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट आपका क्या हो सकता है। स्ट्रांग पॉइंट वो हो सकता है क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इसके अगले पी क्यू आर एस। ठीक है, ये टोटल मिला के कितने मार्क्स का हो जाएगा, 60 मार्क्स का। ठीक है, यानी 35 मार्क्स का आपका क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव आ जाएगा, उसके बाद 20 मार्क्स का एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा, 55 और 5 मार्क्स का पी क्यू आर एस, यानी 60 मार्क्स में से ही आपको कवर करने पड़ेंगे 50+। अगर आपने 60 में से यहाँ 50+ कवर कर दिए तो बाकी 40 में से आप 30 ला सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट है आपको प्रीवियस ईयर सेट को अच्छी तरह करना है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी बुक करें कौन सी मत ना करें, आप कुछ मत करिए। प्रीवियस ईयर जितने भी इंग्लिश के सेट हो रखे हैं उनको अच्छी तरह करना है। ठीक है, बुक चाहे वो चाहे किरण से करूँ या एम बी पब्लिकेशन आती है उससे करूँ, या कोई भी बुक जिसमें प्रीवियस ईयर के सेट दे रखे हों वो वाली। ठीक है, इसके अलावा ग्रामर के लिए कोई भी बुक आप ले सकते हो, ग्रामर को लास्ट मंथ में करिएगा। ठीक है, अभी से ग्रामर पे ज़्यादा फोकस मत करना, जो फोकस करना है क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इन पे फोकस करना है जो प्लस पॉइंट होता है इंग्लिश के। ठीक है, और इंग्लिश के लिए मैं बताना चाहूँगा, ठीक है,
इसके लिए 80+ स्कोर, अगर आपने यहाँ 60 में से 50+ कर लिया तो 85 का स्कोर आप इजीली कर लोगी। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमारा व्हाट्सएप स्टैनो का व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, मैं नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और स्टैनो जॉब जो है जो ये आपके पास काफ़ी अच्छा चांस है, ये नहीं कि टाइम कम है, टाइम काफ़ी है, 2.5 मंथ अभी बचे हैं तो आप इजिली क्रैक कर सकते हो स्टेनो का एग्ज़ाम। और जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है, बेसिक अच्छा है, तो प्रीवियस ईयर सेटों पे आप ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें, ठीक है। और जो मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो बता रखा है, फिर 60 मार्क्स को उसे अच्छी तरह कवर करें, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखना, आराम से बिना टेंशन हो के, ठीक है, एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करो, ठीक है। और कुछ नहीं, इधर कोई नई चीज़ नहीं पढ़ना आपको, जितना आपने कर दिया उसी को आप रिवीजन करने का टाइम है लास्ट टाइम पे, ठीक है, तो उसी को रिवीजन करना है और अपने आप को खुद को एनालाइज करना है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हुई है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सेट करने की कोशिश करो एक दिन में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है और टोटल जो सेट लगभग आपके पास 300+ तो आराम से हो जाएंगे अब तक के सेट, यानी 2009 से स्टार्ट हो जाएंगे और 2018 तक के सेट तो आपको मिल जाएंगे। 2019 के आप ऑनलाइन डाउनलोड करके उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है, तो 2019 तक के आपको सेट करके जाना है। और इसी के बाद मैं बता देता हूँ जीके के लिए भी कुछ कहता हूँ, तो जीके के लिए कोई भी करंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जब आप देखोगे तो ऑन एवरेज जो है 20+ करंट के क्वेश्चन आ रखे हैं, तो उसके लिए करंट हो गया। और उसके अलावा मैं बोलूँगा कि ल्यूशन बुक बहुत अच्छी होती है, तो ल्यूशन बुक अगर आपने अच्छी तरह करी है तो ल्यूशन प्लस करंट मिला के आपके 30+ स्कोर आप कर लोगे, ठीक है। तो करंट अफेयर 1 ईयर का करते हुए जाना, 6 मंथ का बोलते हैं काफ़ी, लेकिन 1 ईयर का करते हुए चलना, ठीक है, तो 1 ईयर कम से कम, एटलीस्ट 1 ईयर तो कर लेना, ठीक है, 6 मंथ नहीं, 1 ईयर का करते हुए चलना, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होता है, ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्जाम के लिए, और काफ़ी अच्छा मौका है इस बार, ठीक है। बाकी स्किल टेस्ट आप भी ज़्यादा मत, स्किल टेस्ट पे ज़्यादा फोकस मत करना, ठीक है, अभी फिलहाल रिटर्न पे फोकस करो। और जो कट ऑफ फाइनली जो जा रही है 140 एवरेज आती है, ठीक है, 140 आप लगा के चलो कि 140 तो कट ऑफ होनी है, ठीक है, प्लस ही मान के चलना, निगेटिव माइंड कम मान के, तो 138 थी वो, तो 140 आप लेके चलो कि 140 कट ऑफ है और आपको 150 स्कोर करना है अगर आपको सिलेक्शन लाना है तो, ठीक है। बाकी सी के लिए 150+ 160 तक का स्कोर करो, अच्छी बात है, बट 150 एटलीस्ट लेके चलो सभी, और ऑल द बेस्ट। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली, ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप है तो उससे ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, और ठीक है। तो बाकी अच्छी लगती वीडियो तो शेयर करिएगा जो भी कन्फ्यूज़न आपके साथ वाले हैं, ठीक है, ताकि ये शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, चैनल पे जुड़े रहिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि स्टेनो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके अपडेट कर दूंगा, ठीक है, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन स्टेनो रिलेटेड आती है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी हो, और आपने चैनल को इतना सपोर्ट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।